हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एग्जामपुर के जो मॉडल पेपर हैं उसके हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा, जिसमें हम जीएस के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान के। ठीक है, तो इसके जो हैं पहला पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेकंड नंबर का मॉडल पेपर होगा। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए तैयारी करते रहिए आप। अब जो है 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो 10-15 दिन में खबर आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगी कि पेपर कब तक होगा। ठीक है, तैयारी अपनी करते रहिए। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें कि 49वीं समानांतर रेखा स्पेस के बीच सीमा रेखा है। देखिए सीमा रेखा से प्रश्न आपके यहाँ जो है पूछा जाता है। चलिए अभी बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच सीमा साझा करती है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहने की उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और कनाडा, या भारत और पाकिस्तान। बताइए भी राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए मतलब अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है 49वीं समानांतर रेखा सीमा साझा करता है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पूछेगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी सीमा का नाम क्या है, तो ये आप बताएंगे 38वीं। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको और देखिए फ्रांस और जर्मनी के इसके बीच की रेखा का नाम क्या है, मैगी नॉट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के। भारत और पाकिस्तान आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी है, रेड क्लिप रेखा। ठीक है, रेड क्लिप रेखा। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखें। देखिए मैक मोहन रेखा जो है जेल बॉर्डर में पूछा गया था आपका किसके किसके बीच लगती है, तो मैक मोहन रेखा आपको ध्यान रखना है भारत प्लस चीन के बीच। ठीक है, चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। ठीक है, डूरंड रेखा भी याद रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और एक याद रखना है जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा का नाम क्या है, तो हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है भाई, कौन सी, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा साझा करती है। और मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है, रेखा का नाम है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपकी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सीमा रेखा से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, ये भी प्रश्न आप जानते होंगे, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष स्पेस में हुआ था, तो आपको बताना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, किसने किया था, कब रद्द हुआ था, किसने रद्द किया था, यहाँ से ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें 1926 में, 1903, 1904 या 1905, बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में जो है, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कौन थे, करजन थे। ठीक है, करजन के समय हुआ गया था। ठीक है, तो ये कब प्रभावी हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, अब इसको देखो रद्द भी कर दिया गया था 1911 में किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, हार्डिंग के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं, कहने कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा, कल बताए थे आपको चौरी चौरा घटना। ठीक है, तो ये आप जानते हैं 4-5, देखिए रात का समय था तो कोई कहता है 4 और 5, जैसे ऑप्शन में आपको मिलेगा ध्यान दीजिएगा, 4-5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 1922 को गोरखपुर में जो है क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड, जिसमें एक जेल में जो है भारतीय जनता जो है उग्र हो गई थी और जेल में आग लगा दी, जिस कारण से कई पुलिसकर्मी, लगभग 22 पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से महात्मा गांधी ने जो क्या कर दिया, अभी यहाँ पे आंदोलन वापस ले लिया था, तो वो कौन था आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन था, तो कल ही बताए थे ऑप्शन सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये 1942 में, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। देखिए होम रूल आंदोलन, देखिए ये दो बार चलाया गया था, एक अप्रैल 1916 में, ठीक है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और एक सितंबर 1916 में ही एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है भी, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा जो है
होम रूल आंदोलन चलाया गया था, तो ये आपको ध्यान देना है, दो लोग इसको चलाए थे, दो बार चला था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देखने की जरूरत मिलेगा, या तो एनी बेसेंट, या तो बाल गंगाधर तिलक, या तो दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ध्यान रखिएगा होम रूल आंदोलन, ठीक है। और देखिए, ठीक है, देखिए एनी बेसेंट ने दो पत्रिका लिखे थे जिसका प्रकाशन किए थे, दोनों को नाम रखना, कॉमन व्हील, ठीक है, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया, ठीक है। ये जो है एनी बेसेंट की पत्रिका थी, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, पूछी जाती हैं कॉमन व्हील और न्यू इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित किया, तो ये एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो कुल कितने तीर्थकर थे? आप जानते हैं 24 थे। और महावीर स्वामी आप जानते हैं ये कैसे थे, ये लास्ट के थे या 24वें थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम जो के कौन थे? ऋषभदेव थे, इनको भी याद रखिएगा, प्रथम ऋषभदेव और तीर्थकर थे। और 23वें भी आपको ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंस है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में द्वारा आयोजित की गई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने की स्वराज पार्टी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, या अनुशीलन समिति, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा जो है यह ककोरी ट्रेन डकैती। तो इसमें जो है कुछ सामान जो है हथियार और पैसे हुए जा रहे थे ट्रेन से, तो ये जो है रास्ते में जो है इसे जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा क्या कर दिया गया था, लूट लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कहने की बात, बात की मुद्रा है, देखिए मुद्रा और राजधानी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपको यहाँ से आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में रखा हुआ है, ठीक है। चलिए कहीं तंजानिया का, तजाकिस्तान का, थाईलैंड का, या टोगो, बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो बात किसकी मुद्रा है, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये थाईलैंड का, ठीक है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक है, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी, ठीक है। देखिए तंजानिया है, तंजानिया की राजधानी आपसे पूछा क्या बताएंगे, डोडोमा, क्या है भी, डोडोमा है, ठीक है। और मुद्रा आपसे पूछे तो सीलिंग, क्या है, सीलिंग, ठीक है। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा और मुद्रा क्या है, सीलिंग। देखिए तजाकिस्तान आया, तजाकिस्तान की आपसे पूछे राजधानी तो क्या बताएंगे, दुशानबे, क्या भी, दुशानबे। देखिए आपकी राजधानी आपके आसान आ गया था, मुद्रा भी आसान आ गया, लेकिन आपकी थोड़ा सा पेपर आपका हो सकता है कठिन बने, तो ध्यान रखिएगा थोड़ी राजधानी और मुद्रा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानबे, और मुद्रा सोमोनी है, ठीक है, क्या है, सोमोनी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए दिवस से भी आपका दिवस चैप्टर में आपके सिलेबस में तो दिवस आएगा ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहीं 21 जून को, 21 मई को, 13 जून को, या 24 जुलाई को, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, करें 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए विश्व हिंदी का प्रथम जो है सम्मेलन कब हुआ था, ये आपसे UPSI में कई बार, मतलब कई शिफ्टों में हुआ था, तो लगातार आपके हर शिफ्ट में पूछा जाता था यहाँ से प्रश्न, ठीक है। देखिए पहला जो है ये 1975 में हुआ था आप जानते हैं, और कहाँ हुआ था, नागपुर में, ठीक है, नागपुर कहाँ है आप जानते हैं, भारत में, ठीक है। तो नागपुर में 1975 में पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उसी वो भी ठीक। तो अब उस उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 जनवरी को, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जानते हैं 21 फरवरी को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला है। कह रहे किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी, तो किसने लिखा है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, कह रहे महात्मा गांधी, नीरज सिंह चौधरी, सलमान रुश्दी, आर के नारायण, बताइए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भारत की आत्मकथा लिखी थी, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी नंबर, नीरज सिंह चौधरी, ठीक है ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है देखिए महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी की जो है पुस्तकें कुछ पूछा जाता है, तो हिंद स्वराज, ठीक है हिंद हिंद स्वराज इनकी है, ठीक है सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, ठीक है ग्राम स्वराज, ठीक है मेरे सपनों का भारत, और जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है पुस्तक, तो याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, किसने लिखा है ये महात्मा गांधी ने, ठीक है ये इनके कुछ रचनाओं के नाम ध्यान रखना है, ठीक है पुस्तकों के नाम। देखिए आइए देखते हैं सलमान रुश्दी, ठीक है सलमान रुश्दी की कुछ आपसे पूछा जाता है, तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है ये याद रखिएगा, देखिए सुन लीजिए, लिखेंगे तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है तो हम आपको बता रहे हैं मिडनाइट चिल्ड्रेन, ग्रीमस, ठीक है द सैटेनिक्स वर्सेज फरी, सालीमार द क्लाउन, ठीक है ये इनकी जो है। अब आर के नारायण की कुछ पुस्तकें हैं द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है आपसे पूछा जाएगा कि द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसकी पुस्तक है, आर के नारायण की, ठीक है द डार्क रूम, देखिए काफ़ी चर्चित पुस्तक थी द डार्क रूम, मालगुड़ी डेज, द गाइड, ठीक है तो इनकी चार पुस्तकें याद रखिएगा द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, मालगुड़ी डेज और द गाइड, ये जो है आर के नारायण की है, ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक तो ऑप्शन बी आपका यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, करें खुशवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अड़िया, तो ये काफ़ी चर्चित लेखक वर्तमान में हैं जो इनके लिए रचनाएं पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो काफ़ी पूछी जाती हैं एसएससी के, काफ़ी फेवरेट है ये जो है राइटर, ठीक है देखिए ये कौन है भी, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर, अरविंद अड़िया जो है द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं, ठीक है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है देखिए खुशवंत सिंह की एक रचना याद रखना है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है क्या भाई ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ये इनकी रचना है। ठीक है और चेतन भगत की इनकी याद रखना है 5.1 हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है वन इंडियन गर्ल, ठीक है ये चेतन भगत की कौन कौन सी 5.1 हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की है। ठीक है विक्रम सेठ की याद रखिएगा ए सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट, ठीक है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ये जो है विक्रम सेठ की रचना है। ठीक है चलिए आइए देखते हैं अगला है, तो ये पुस्तक है रचना नहीं है। ठीक है आइए देखते हैं अगला है भारतीय रेलवे के 17वां जोन का नाम निम्नलिखित में से कौन है, बताइए कौन सा है, कहें कोलकाता मेट्रो, पूर्व मध्य रेलवे, कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। चलिए यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था ये 18 के फर्स्ट शिफ्ट में फसलों से संबंधित, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है। ठीक है तो ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार आपका सिलेबस है। ठीक है चलिए आइए देखते हैं, कह रहे कि जौ, बाजरा, प्याज, गेहूँ। ठीक है देखिए फसलों को जो है भारत में मानसून के अनुसार ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल आपसे पूछा गया तो कौन हो जाएगा भाई, तो आपकी खरीफ की फसल ऑप्शन बी हो जाएगा बाजरा नंबर। ठीक है गेहूँ, जौ, प्याज ये आपका रबी की फसल है। ठीक है रबी की फसल है। ठीक है और धान, सोयाबीन, कपास ये आपका खरीफ के फसल के अंतर्गत आएगा। ठीक तो बाजरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है आइए देखते हैं अगला है स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है। ठीक है राइट आंसर हो जाएगा, कहें कि सही ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा झूम खेती होती है। ठीक तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम झूम है। ठीक है कह रहे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो है
हर सिलेबस से मतलब चीज़ जो भी टॉपिक आपके यहाँ रखा गया है, एक एक प्रश्न है, दो दो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो बढ़िया सेट है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये अंटार्कटिका में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीड़ प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार कहलाते हैं, ठीक है, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो अम्ल, देखिए अम्ल क्षार से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अम्ल का पीएच मान जो है आपका, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम होती है, ठीक है, 7 से कम होती है। वहीं क्षार की जो है पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो है आप जानते हैं, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल जो में अगर नीले नीले लिटमस पेपर डालेंगे तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्षार में क्या होता है? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, ठीक है, नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, सोने के लैटिन का नाम है, तो यहाँ पर लैटिन नाम आपको बताना है सोने का, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए AU होता है इसका संकेत, ठीक है, AU होता है संकेत, और 79 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ओरम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सोने का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं 24 कैरेट सोना क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है, तो ये आपको बताना है। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फिशिंग, कह रहे हैं कि फिशिंग का एक रूप है, तो साइबर क्राइम से ये प्रश्न है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिलेबस भी साइबर क्राइम है, ठीक है। देखिए, फिशिंग क्या होता है? दूसरे यूजर को गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्पैमिंग है, चोरी की पहचान है, वेश बदलने का कार्य है, या स्कैनिंग है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा यहाँ हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये स्पैमिंग है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि अगला प्रश्न है, कह रहे हैं फेसबुक की स्थापना वर्ष में हुई थी। देखिए, फेसबुक से प्रश्न भी आपके परीक्षा में आया हुआ था कि फेसबुक का नया नाम क्या था, तो मेटा आपसे पूछा गया था, ठीक है, जो है 28 अक्टूबर 2021 को जो है इसका नाम जो है फेसबुक का मेटा कर दिया गया, तो ये आपसे पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फेसबुक की स्थापना, देखिए सोशल मीडिया आपका सिलेबस में है, तो उसमें जो है सबको आपको याद रखना है गूगल की स्थापना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। देखिए, कब हुआ था इसका स्थापना? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर, 2004 में, ठीक है। तो फरवरी जो है, फरवरी 2004 में जो है फेसबुक की स्थापना हुई थी, किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग थे, ठीक है, जुकरबर्ग द्वारा यह जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मार्क जुकरबर्ग। और इस अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछा जाए तो फेसबुक पर कितने हैं? 13 वर्ष, ठीक है, 13 वर्ष ध्यान रखिएगा। और आप इसकी फ्रेंड लिमिट कितनी है? 5000, मतलब 5000 आप इस पर मित्र बना सकते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में, ठीक है, CEO मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो ये आप इस पर इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है,
भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अभ्यास है, तो अभ्यास एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ हुआ था, बोंगो सागर 2023, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम में हुआ था। चर्चा में रही हर घर औषधि योजना किस वर्ष की पहल है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा या जो है करें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश रहता तो आप जल्दी से उत्तर प्रदेश नहीं लगाएंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान में, ठीक है। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता मतलब नहीं किया जाता है, बताइए। तो आप जानते हैं इसको चार स्थानों पर किया जाता है, कल ही आपको हमने बताया था, ठीक है। देखिए हरिद्वार में किया जाता है, प्रयागराज में, नासिक में और कहाँ, उज्जैन में, उज्जैन में किया जाता है। देखिए वाराणसी में नहीं किया जाता, ठीक। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष के बाद लगता है और कुंभ लगता है 12 वर्ष बाद, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो किसके साथ किया गया है, HAL के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, तो इसके साथ जो है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए रक्षा सौदा किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न, मेला और संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है, करें कि मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में, गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में, श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला मथुरा में, नैमी सारंड मेला बाराबंकी में, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में ये आपका सुमेलित है, गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में ये भी सुमेलित है, श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला आप जानते हैं मथुरा में लगता है, बिल्कुल सुमेलित है। देखिए नैमी सारण मेला ये बाराबंकी में नहीं लगता, ये सीतापुर में लगता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सुमेलित वाला नहीं है, ठीक। तो नैमी सारण मेला सीतापुर में लगता है। आइए देखते हैं अगला है, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यकाल रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है, कौन होता है ये आपको बताना है, कौन होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेड कांस्टेबल होता है। करें फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसा करता है, तो ये आपको बताना है, MSP कौन लागू करता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CACP करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसका हिंदी नाम क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइसेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, पहले इसका नाम क्या था, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग का पहले नाम था कृषि मूल्य आयोग था, ठीक है। आपसे पूछे तो कृषि मूल्य आयोग जो है इसका पुराना नाम था और नया नाम हो गया कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। करें भारत के GST प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है, तो कल ही आपको हमने GST के बारे में बढ़िया से बताया था, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो GST की कितनी दरें हैं, 4 दरें हैं, जिसमें 5% है, 12% है, 18% है और कौन, 28% है, ठीक। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, 28%, ठीक है। पूरा नाम आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है, ठीक। या जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, और मुख्यालय आप जानते हैं कहाँ है, नई दिल्ली में है इसका, ठीक है, नई दिल्ली में है, ठीक है। सिफारिश आप जानते हैं विजय केलकर समिति से, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है ये GST भारत का, ठीक। और 279A अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 में से इसे जोड़ा गया, ठीक है। और GST परिषद में सदस्य अगर आपसे पूछे तो 33 है, ठीक है,
ठीक है। और मुख्यतः जो है भारत में मुख्य प्रकार की जीएसटी कितनी, तीन प्रकार की है, कौन कौन, SGST, CGST और IGST, ठीक है। और अगर आपसे पूछे तो ये जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल कितना था, तो ये 122वां था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जीएसटी आप जानते हैं सर्वप्रथम कहाँ लगा था, ये फ्रांस में शुरू हुआ था 1954 में, ठीक है। देखिए जीएसटी सिलेबस में है, तो एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए आपको जीएसटी के बारे में रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप जानते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। इसमें सदस्य कितने थे, 7, ठीक है। और तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, ये डॉक्टर BR अंबेडकर थे, ठीक है। अगला देखते हैं, भी कह रहे कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्योंकि क्यों है भाई गणतांत्रिक, ये आपको बताना है, ठीक है। खैर इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, या इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, या इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, या इनमें से इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना, तो ये आपसे प्रश्न पूछ लेता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सिक्किम की स्थापना कब हुई थी या गठन हुआ था, कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बताइए। तो बांग्लादेश जो कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, ठीक है, तो बताइए भी। देखिए किस किस राज्य से, असम से करता है, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, मेघालय से करता है, और किससे करता है, त्रिपुरा से, ठीक है। तो अब आप इसमें मिला दीजिए कौन नहीं है, देखिए मेघालय से कर रहा है, पश्चिम बंगाल से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, देखिए झारखंड से नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, करें कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है, तो ये नाटक काफी प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंस भी है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये विशाख दत्त हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, करें पंजाब में, राजस्थान में, कर्नाटक में या गुजरात में, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये कहाँ है गोल गुंबद, तो ये बीजापुर के कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, ये भी याद रखना है, मोहम्मद आदिल शाह शाह ने इसको बनवाया था, ठीक है। यह जो है इनका मकबरा है, और ये जानते हैं बीजापुर कर्नाटक में है, ठीक है। और इसके वास्तुकार आपसे पूछा जाता है, फारसी वास्तुकार थे, दाबुल के यंकूत थे, ठीक है। और जो है इसकी शुरुआत जो है 1626 में हुई थी, और बनकर पूरा कब हुआ था, 1656 में, ठीक है। तो ये दाबुल के यंकूत को याद रखिएगा, इसके वास्तुकार थे, ठीक है। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो किसने किया था, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, BR अंबेडकर थे। अगला है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो मौलिक
कर्तव्य भी है अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2009 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क क्या दिया जाएगा, शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको 6 से 14 वर्ष भी याद रखिएगा बच्चों के लिए। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार 51A। ठीक है, भाग चार ए। ठीक है, राज के निर्देशक सिद्धांत ये जो है अनुच्छेद 36 से कितना है 51। ठीक है, भाग चार में है। नागरिकता आप जानते हैं पाँच से अनुच्छेद 5 से 11 है, भाग दो। ठीक है, भाग दो। और मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है और यह जो है भाग तीन में है। ठीक, भाग तीन में। चलिए अब बताइए, कह रहे हैं कि गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान में निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो आसान प्रश्न है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 वर्ष में। ठीक, अगर अर्ध कुंभ पूछे तो 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। ठीक, तो इस प्रकार आपके जो है पूरा हो जाता है 38 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसके जो है PDF जो जिसमें बहुत लिखा हुआ है एग्जामपुर, तो इसमें सही से फोटो आ नहीं रहा है, तो हमने खींच कर एक पहला सेट भेजा है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो इसमें फ़ोटो अच्छी आ नहीं रही है। ठीक है, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि फिर से खींच के अच्छे से भेजें। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।